आज हम शिवरात्रि के पावन अवसर के लिए शक्करकंद की खीर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करें। खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम जितने शक्करकंद लिए हैं। शक्करकंद कुछ हमें इस तरह से पतले ही लेने हैं। इन्हें अच्छी तरह से धोकर 15 मिनट तक स्टीम करेंगे। शक्करकंद को कभी भी हम पानी में डायरेक्ट बॉईल नहीं करेंगे, इसी तरह से स्टीम करके यूज करेंगे। अगर हम शक्करकंद को पानी में डायरेक्ट बॉईल करेंगे तो इसकी जो नेचुरल मिठास होती है वो चली जाती है। देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट में शक्करकंद अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। इन्हें ठंडा करेंगे और छिलका उतार लेंगे। शक्करकंद को ग्रेटर की मीडियम साइज से ग्रेट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पतले शक्करकंद का यूज किया था, इसलिए इसमें धागे बिल्कुल ही नहीं हैं। अगर आप मोटे शक्करकंद लेंगे तो उनमें धागे आते हैं, जो खाने में बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते हैं। इसे साइड में रखेंगे और ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। एक हैवी बॉटम कढ़ाई में 1 टेबल स्पून जितना घी गर्म करेंगे। 8 से 10 काजू और 8 से 10 जितने बादाम ऐड करेंगे। इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। 8 से 10 पिस्ता ऐड करेंगे और इन्हें भी साथ में रोस्ट कर लेंगे। 1 टेबल स्पून जितने चिरौंजी ऐड करेंगे। चिरौंजी का फ्लेवर खीर में बहुत ही बढ़िया आता है। ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं, इन्हें एक प्लेट में शिफ्ट करेंगे। ड्राई फ्रूट्स को ऐसे रोस्ट करके खीर में ऐड करने से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, इसलिए अब जब भी खीर बने तो ड्राई फ्रूट्स को कुछ इस तरह से रोस्ट करके ही ऐड करें। इसी कढ़ाई में 1/2 लीटर फुल फैट दूध ऐड करेंगे। कढ़ाई में जो भी घी बचा हो उसे हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि खीर में घी ऐड करने से खीर का टेस्ट इनहेंस होता है। 250 ग्राम शक्करकंद के सामने 1/2 लीटर दूध की क्वांटिटी बिल्कुल ही परफेक्ट रेशो है। दूध में एक बॉइल आए फिर इसमें शक्करकंद ऐड करेंगे। दूध और शक्करकंद को 10 से 12 मिनट तक बॉयल होने के लिए रखेंगे। बीच बीच में इसे स्टर करते रहेंगे। जो साइड में मलाई आए उसे भी स्क्रैप आउट करते हुए दूध में ऐड करते जाएंगे। शक्करकंद दूध में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो गया है, दूध की क्वांटिटी भी रिड्यूस हो गई है। ये स्टेज पर 1/4 कप जितनी शुगर ऐड करेंगे। शक्करकंद में नेचुरली मिठास होती है, इसलिए हम यहाँ पे दूध के पोर्शन का ही शुगर ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट तक और बॉईल करेंगे। ¼ teaspoon इलायची पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहे तो केसर भी ऐड कर सकते हैं। चिरौंजी ऐड करेंगे, जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे इन्हें कुछ इस तरह से चॉप करके ऐड करेंगे। शक्करकंद खीर बनके तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया गाढ़ी और क्रीमी खीर बनी है। आप इसे गर्म या ठंडा दोनों स्टाइल में सर्व कर सकते हैं। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए खीर को सर्व करते हैं।